प्यारे बच्चों, आज अपना जो अध्ययन बिंदु है वो है हिंदी एकांकी। सबसे पहले बात करते हैं एकांकी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो ये जो एकांकी शब्द है ये एकांक शब्द से बना है। एकांक शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो अपने सामने आता है, जैसे एक धन अंक। तो इसके शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो ऐसी रचना जो एक अंक वाली है उससे एकांकी कहा जाता है। अब अर्थ के रूप में इसमें शाब्दिक अर्थ को अर्थ के रूप में जानते हैं कि ऐसी संक्षिप्त रचना जो नाटक का छोटा रूप हो या उसका संक्षिप्त रूप हो और एक अंक के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती है, ऐसी रचना को एकांकी कहा जाता है। वास्तव में जो हिंदी में उपन्यास और कहानी का संबंध एकांकी और नाटक से है, आकार के आधार पर जितना बड़ा उपन्यास है उतना बड़ा हिंदी गद्य विधा में नाटक है। उसी तरीके से जितना रूप जितना आकार कहानी का होता है ठीक उतना ही आकार एकांकी का माना जाता है। लेकिन नाटक और एकांकी में ये होता है कि आपको नाटक वाले बिंदु में भी मैंने आपको बताया था कि इनमें वास्तव में गद्य से ज़्यादा इनकी लोकप्रियता का आधार होता है रंगमंच, क्योंकि इनको पढ़ने के साथ साथ इनको रंगमंच पर भी दिखाया जाता है। और दृश्य रूप में जो एकांकी या नाटक जितना ज़्यादा लोकप्रिय है उसी को सफल या असफल नाटक और एकांकी माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि एकांकी किससे कहते हैं, एकांकी क्या होती है? तो उसमें अपने को ये बताना है कि ऐसी संक्षिप्त आकार वाली गद्य रचना जो रंगमंच को आधार बनाकर लिखी गई है, जो हमें एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करवाते करवाते हुए हमारा मनोरंजन करती है, ऐसी रचना को एकांकी कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें एकांकी की परिभाषा की। इसकी सबसे विस्तृत और व्यापक जो परिभाषा दी है वो डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है कि ऐसी गद्य रचना जो एक संक्षिप्त रूप लेकर अपने निश्चित क्लेवर को पूरा करते हुए लोगों का मनोरंजन करवाते हुए अपने अंतर्द्वंद तक पहुंच जाती है, उस रचना को एकांकी के नाम से जाना जाता है। दूसरी इसकी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी है, जिन्होंने बताया है कि गद्य की वह रचना जो रंगमंचीय आधार पर संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है वह एकांकी के नाम से जानी जाती है। अब इसके तत्वों की अगर हम बात करें तो आपको मैंने नाटक में जो 8 तत्व बताए थे ठीक वही 8 तत्व अपने एकांकी के हैं। एक बार वापस उनका दोहरान कर देते, वो 8 तत्व कौन कौन से है? नंबर 1 है अपने कथानक या कथा वस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद या कथोपकथन, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है देश काल और वातावरण, छठा है उद्देश्य, सातवां है संकलन त्रय और 8वां एवं अंतिम इसका बिंदु है अभिनेता। तो ये तत्व अपने को दोनों में याद रखने हैं नाटक और एकांकी में। अपने बड़े रूप में जो प्रश्न आता है, जो हम विभिन्न प्रकार की एकांकियाँ और हम अपने पाठ्यक्रम में जो शामिल कोणार्क नाटक है उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें भी एक प्रश्न ये निश्चित रूप से तत्वों के आधार पर बनता है। तो ये तत्व अगर आपको ढंग से अगर याद है तो आराम से एकांकी का कथानक अगर तैयार है, नाटक का कथानक अगर तैयार है तो हम उसके बारे में एक सही सटीक उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं एकांकी की विशेषताएं। इसको अलग अलग बिंदुओं के अनुसार समझना है, वो बिंदुओं के अनुसार अगर विशेषताओं से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर अपने को लिखना है। पहला बिंदु जैसे ये कहें लिखेंगे हम कि वह रचना जो एक छोटा रूप आकार लेकर अंतर्द्वंद के साथ पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। दूसरा बिंदु इसमें पात्रों की जो संख्या है वो सीमित होती है। अब वो सीमित कितनी होती है कि एक सफल एकांकी में जो पात्रों की संख्या है वो 2 से लेकर 5 तक मानी जाती है। वो 2 से लेकर 5 तक
एकांकी में पात्रों की संख्या मानी जाती है। अगर इससे अगर ज़्यादा पात्र है तो वास्तव में उस एकांकी का जो एक निश्चित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि पात्र योजना ज़्यादा अगर किसी एकांकी में पाई जाती है तो एकांकी नहीं, वो एक नाटक का रूप हो जाता है, क्योंकि एकांकी का जो उद्देश्य होता है वो विविध नहीं होता है बल्कि एक ही होता है। नाटक में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्देश्य उसमें दिखाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य को नाटक साथ लेकर चलता है और सभी की प्राप्ति होती है। एकांकी का कलेवर बहुत सीमित होने के कारण जो विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं, विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य है वो इसमें स्पष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि अपने रूप आकार के आधार पर तीन भागों में उसके आदि, मध्य और अंत में हम बांटेंगे तो तीनों का तालमेल बिठाने के लिए अगर एक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है तो एकांकी सफल है। अपने उद्देश्य में विविध उद्देश्य अगर उसमें लिए गए हैं तो केवल उसमें शाब्दिक की वर्णन हम कह सकते हैं, रूप आकार के आधार पर फिर वो एकांकी का रूप का जो तालमेल सामंजस्य है वो नहीं बैठ पाता है। तो एक सफल एकांकी में जो पात्रों की संख्या आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है कि 2 से लेकर 5 तक होती है। आगे इसमें बात करते हैं कि जो एकांकी है उसमें दृश्य होने चाहिए या नहीं। देखिए वैसे तो एकांकी में ज़्यादातर एक अंक वाली रचना होती है, तो एक दृश्य में ही अधिकांश लेखकों ने अपनी एकांकियाँ लिखी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई एकांकियाँ अपने रूप आकार में अगर थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको छोटे छोटे 2-3 दृश्यों में भी बांटा जा सकता है। अब ये दृश्य क्या होते हैं कि जैसे नाटक और एकांकी को रंगमंच पर दिखाया जाता है तो अलग अलग दृश्य के अनुसार उनको अभिनित किया जाता है, और अलग अलग समय में जो अलग अलग जो दृश्य दिखाया गया है उसी के अनुसार इसमें दृश्यों की संख्या बताई जाती है। लेकिन एकांकी एक ऐसी रचना है जिसके लिए समय सीमा भी निर्धारित है, और वो समय सीमा ये है कि एक एकांकी को लगभग 10-15 मिनट से लेकर 45 या 50 मिनट तक दृश्य रूप में अर्थात रंगमंच पर उसकी पूर्ण रूप से प्रस्तुति हो जानी चाहिए। अगर उसका रूप आकार अगर कम है तो 10-15 मिनट, और थोड़ी बड़ी अगर एकांकी है तो उसको रंगमंच पर जब दिखाया जाए तो अधिकतम जो समय हम इसमें बताएंगे वो बता सकते हैं कि 45 से 50 मिनट के अंदर एकांकी को जो है वो रंगमंच पर पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जा सके, तभी उसकी सफलता निर्भर करती है। नाटक में हम देखते हैं कि बहुत सारे अंक होते हैं। अब एक बात आपको ये भी बता दें कि वो बहुत सारे नाटक में अंक कितने होते हैं। एक सफल नाटक में अंकों की संख्या मानी जाती है 3 से 5। तो एकांकी में देखें तो 3 अगर नाटक के अंक है तो 3 एकांकियों का रूप वो हो गया है। इसलिए नाटक को जब रंगमंच पर दिखाते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है, और अलग अलग दृश्यों के हिसाब से अलग अलग अंकों के हिसाब से उसको प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एकांकी को एक ही समय में दिखाया जाता है, चाहे वो 30 मिनट की हो चाहे 40 मिनट की हो। अब आगे बात करते हैं कि देश काल और परिस्थिति का जो बिंदु है इसमें तत्वों में हमने देखा देश काल और परिस्थिति या वातावरण। देखिए एकांकी का बिंदु बहुत ही छोटा होता है, उसका एक निश्चित उद्देश्य और जो मनोरंजन वो हमें कराना चाहती है वो मनोरंजन का जो बिंदु है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसी कारण से इसमें देश काल परिस्थितियाँ है, उस समय की किसी प्रकृति का अगर चित्रण है और कोई बात उसमें स्पष्ट की गई है आसपास के वातावरण से संबंधित तो उसके बारे में केवल आंशिक जानकारी दी जाती है, विस्तृत रूप में एकांकी में नहीं बताया जाता है, क्योंकि एकांकी को पढ़ने में बहुत ही कम समय लगे या कम समय में जो पढ़ सके, कम समय में जिसको रंगमंच पर दिखाया जाए वही सफल मानी जाती है। तो ये वातावरणकार उतना उसमें जो भूमिका है वो नहीं हो पाती है। अगली बात करें संकलन त्रय दोनों में समान रूप से होता है, जो नाटक में है वही एकांकी में होता है। रंगमंच की दृष्टि से एकांकी छोटे रूप में कम समय में दिखाई जाती है, और अपने बात करें नाटक की तो लंबे समय में अलग अलग अंकों दृश्यों के अनुसार दिखाया जाता है। अब इसमें आपको ये बताते हैं कि कई बार ये प्रश्न होता है कि हिंदी की वास्तव में पहली एकांकी कौन सी है, तो 3 एकांकियाँ हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि हिंदी की पहली एकांकी। एक तो कल हमने नाटक में पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है, अब ये एक ऐसा नाटक है अंधेर नगरी जिसको नाटक में भी शामिल किया जाता है, और
एकांकी में भी। कारण क्या है कि इसमें केवल एक ही अंक है, जबकि नाटक में आपको बताया था कि 3 से 5 तक अंक होने चाहिए, एक अंक वाली रचना एकांकी होती है। तो अंधेर नगरी की चर्चा करते कई विद्वान ये बताते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो नाट्य रचना है अंधेर नगरी, इसी को हिंदी की पहली एकांकी माना जा सकता है। दूसरे विचारधारा दूसरे मत के अनुसार ये बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद की एक एकांकी है, एक घूंट। कई विद्वानों का मानना है कि एक घूंट जो एकांकी है उससे हिंदी की पहली एकांकी मानना चाहिए। लेकिन सर्वमान्य मत की अगर बात करें, जिसके कट्टर समर्थक बताए जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र, वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक एकांकी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक एकांकी है जिसका शीर्षक है बादल की मृत्यु। इसका प्रकाशन वर्ष है एक घूंट का 1929 और बादल की मृत्यु उसके ठीक एक वर्ष बाद में प्रकाशित हुई थी 1930 में। तो सर्वमान्य मत के अनुसार अगर बात करें कि हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है, तो मौलिकता के आधार पे, तत्वों के आधार पे, एकांकी की विशेषताओं के आधार पे, उसकी परिभाषा और अर्थ के अनुसार, उसके महत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा जो महत्व बताया जाता है, सबसे ज़्यादा जिसका समर्थन किया जाता है वो है बादल की मृत्यु जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी की सर्वमान्य विचारधारा के अनुसार पहली एकांकी मानी जाती है जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकीकार अपने हिंदी में हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग शीर्षकों पर अलग अलग बिंदुओं पर उन्होंने अपनी एकांकियाँ लिखी है। अब इस एकांकी में हम आगे बात करते हैं कि एकांकी का जो विकास काल है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। कल हमने अध्ययन किया था नाटक के विकास काल के बारे में जो 3 भागों में बांटा जाता है, अब एकांकी के विकास काल की बात करें तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एकांकी का विकास काल, पहला इसका जो विभाजन किया जाता है वो है भारतेंदु युग, दूसरा इसका जो विभाजन किया जाता है वो है द्विवेदी युग, तीसरा है इसमें आपके प्रसाद युग और चौथे को नाम दिया जाता है आधुनिक युग। भारतेंदु युग के प्रवर्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में जितनी भी जो एकांकियां लिखी गई है, हम ये कह सकते हैं कि सन 1900 से पहले हिंदी में जो भी एकांकियां लिखी गई है वो सब भारतेंदु युग में शामिल की गई है। 1900 से लेकर 1918 या 20 तक की जो एकांकियां लिखी गई है उन सभी को द्विवेदी युग में शामिल किया जाता है, जिसके प्रवर्तक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने विशेषकर जो कार्य किया था वो कविता या काव्य के क्षेत्र में किया था, लेकिन उनके काल में जो गद्य रचनाएं लिखी थी कुछ उनका भी वजूद होने के कारण द्विवेदी युग में कुछ गद्य रचनाएं भी शामिल की जाती है। तीसरा जो युग है प्रसाद युग, जो 1920 से लेकर 1950 तक, मतलब उनकी मृत्यु के बाद तक माना जाता है, जिसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। 1950 के बाद में हिंदी एकांकी में जितनी भी जो रचनाएं लिखी गई है उनको समेकित रूप में, या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक ही नाम देने की अगर कोई बात होती है तो उसको कहते हैं भारतेंदु युग, जो विभिन्न एकांकीकारों की रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं नाटक और एकांकी में अंतर से संबंधित। एक प्रश्न भी कई बार अपने पूछा जाता है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। पहला बिंदु हम ये बताएंगे कि नाटक का जो कथानक है वो काफ़ी विस्तृत होता है, बड़े रूप में, व्यापक रूप में लिखा जाता है, जबकि एकांकी का जो कथानक है वो बहुत ही संक्षिप्त या सीमित आकार लिए होता है। दूसरा हम बिंदु इसमें ये बताएंगे कि नाटक में जो पात्रों की संख्या है वो बहुत अधिक होती है,
जबकि एकांकी में जो पात्रों की संख्या है वो बहुत ही सीमित होती है, जिसके बारे में भी आपको चर्चा में यहाँ बताया था कि कितने पात्रों की संख्या अपने एकांकी में और कितने नाटक में होती है। तीसरा बिंदु हम ये कह सकते हैं कि संवाद योजना की दृष्टि से जो नाटक है उसमें बड़े बड़े जो संवाद है, सौगत जो कथन है उनको भी स्थान दिया जाता है। सौगत कथन का अर्थ ये होता है कि जब कोई श्रोता पास में नहीं हो और वक्ता अपने आप से कोई बातचीत करने लगे तो ऐसे कथनों को सौगत कथन के नाम से जाना जाता है, जिनको सबसे ज़्यादा स्थान नाटक में दिया जाता है। सौगत कथनों का जो महत्व है वो एकांकी में बहुत ही कम होता है। तीसरी बात करें तो नाटक के जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जबकि एकांकी के जो उद्देश्य है केवल वो एक उद्देश्य लिए रहती है, केवल एक ही रूप में हमारा मनोरंजन करने में वो सक्षम होती है। आगे हम बात करते हैं कि एकांकी में जो देश काल परिस्थितियां वातावरण उस समय के समाज की उस समय की राजनीति की क्या स्थिति थी, इसकी केवल एक आंशिक जानकारी हमें मिलती है, जबकि नाटक में व्यापक रूप में विस्तृत रूप में उस समय की राजनीति देश काल की परिस्थितियों के बारे में भी हमें जानने को अवसर या मौका मिलता है। अगले बिंदु की हम बात करेंगे कि जो नाटक है उस नाटक में विभिन्न प्रकार के अंक होते हैं। बताएं ना आपको कि एक सफल नाटक में 3 से 5 तक कम से कम अंक माने जाते हैं, जबकि एकांकी में केवल एक ही अंक होता है और उसी में वो अपनी पूरी कहानी को अपने पूरे कथानक को जो है वो समेटे रहती है। इसके बाद में अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो भाषा शैली की दृष्टि से भी जो एकांकी है उसमें केवल एक रूपता होती है, जबकि नाटक में भी अनेक पात्र होने के कारण अनेक रूपों में अनेक पात्रों के किरदार के रूप में अलग अलग भाषा और शब्दों का प्रयोग भी अलग अलग भाषा के शब्दों का प्रयोग भी उसमें किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु है जिसमें नाटक और एकांकी में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम अपनी अगली कक्षा में जो चर्चा करेंगे वो है अपने हिंदी की पाठ्यक्रम में जो शामिल है द्वितीय प्रश्न पत्र में एकांकियाँ, उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में।